नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। क्रिसमस के बारे में सभी को पता है कि ये किस दिन आता है और इस दिन क्या होता है। जी हाँ, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है उस दिन जीसस का जन्मदिन होता है और उसी को लेकर पूरी दुनिया में जीसस के अनुयायी जश्न मनाते हैं। दुनिया भर के ईसाइयों के लिए ये उत्सव का एक दिन होता है, लेकिन कई जगहों पर ये एक हफ्ते दो हफ्ते का होता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि अधिकतर मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाते हैं, लेकिन जीसस इस्लाम धर्म में भी काफी अहमियत रखते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में जीसस और मैरी का कई बार जिक्र किया गया है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में जीसस, मैरी और देवदूत ग्रेबियल का भी जिक्र हुआ है। इस्लाम में जीसस को ईसा, मैरी को मरियम और गैब्रियल को जिब्राइल कहा जाता है। बाइबल के कुछ और चरित्र आदम, नूह, अब्राहम, मोसेस का भी उल्लेख कुरान में है। कुरान में अब्राहम को इब्राहिम, मोसेस को मूसा कहा गया है। तो आज हम भी आपको कुछ बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिससे आप चौंक जाएंगे। जीसस का अरबी नाम ईसा है। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिन्हें ईसाई समुदाय ईसा मसीह कहते हैं और इस्लाम के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। मुसलमानों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और कुंवारी मरियम ने उन्हें जन्म दिया था। जब कुंवारी मरियम को फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जीसस मतलब ईसा मसीह के जन्म की बात बताई तो मरियम रोने लगी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहती है कि जब मुझे किसी आदमी ने कभी छुआ ही नहीं तो मैं किसी बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। तब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ईश्वर के लिए सब संभव है, वो दया और करुणा का संदेश देने धरती पर आएंगे। मैरी को अरबी भाषा में मरियम कहा गया है। कुरान में उन पर एक पूरा चैप्टर है। कुरान में किसी महिला पर अगर एक पूरा चैप्टर है तो वो मरियम पर ही है। यहाँ तक कि कुरान में मैरी ही एक ऐसी महिला है जिनका नाम लिया गया है। कुरान में अन्य महिलाओं को या तो उनके रिश्तों से परिभाषित किया गया है या फिर किसी उपाधि से, जैसे आदम की पत्नी, मूसा की माँ, शेबा की रानी। न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल से ज्यादा कुरान में मैरी का जिक्र किया गया है। इस्लाम में बाकी पैगंबरों की तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों के लिए एक संदेश लेकर आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश इंजील कहलाता है। कुरान शरीफ में बाकायदा इसका जिक्र है। कुरान शरीफ के अनुसार इंजील अल्लाह की ओर से इंसानियत को दिए गए चार पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिनमें अन्य तीन हैं जबूर, तौरेत और कुरान। मान्यता के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम को, जिन्हें नबी और इस्लाम का एक पैगंबर माना जाता है, अल्लाह ने इंजील का ज्ञान दिया था। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीसस ने कई चमत्कार किए थे और वो सभी के दुख दूर करते थे। ईसाई धर्म में जीसस के अंधे को रोशनी देने और मुर्दे में जान फूंकने जैसे चमत्कारों का जिक्र होता है। वहीं कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम के मिट्टी के पक्षी में जान डाल देने जैसे चमत्कारों का उल्लेख है। कुरान शरीफ में ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की जो कहानी बताई गई है वो भी उनके पहले जादुई कारनामे की ही कहानी है, जब वो पालने में ही बोलने लगते हैं और खुद को पैगंबर घोषित करते हैं। मुस्लिमों का ये भी मानना है कि कयामत के दिन वो धरती पर लौटेंगे और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। जिस तरह से मुस्लिम अन्य पैगंबरों का नाम सम्मान सूचक शब्दों के साथ लेते हैं, वैसे ही जीसस का नाम भी लेते हैं। जिस तरह से ईसाई जीसस से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम भी उनका सम्मान करते हैं। मुस्लिम जीसस को ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, लेकिन बस दोनों धर्मों की सोच में इतना ही फर्क है कि ईसाई जीसस को ईश्वर का बेटा मानते हैं, जबकि मुस्लिम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि वो अल्लाह के भेजे हुए दूत थे जो आम इंसान को सही रास्ता दिखाने आए थे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर इस्लाम में ईसा मसीह की इतनी इज्जत क्यों है और मुसलमान उनको किस नजरिए से देखता है।